हेलो गाइस मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में और दोस्तों आज की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स प्यार से इस चैप्टर को मैं इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर बोलता हूं क्योंकि इस चैप्टर में इन तीनों कंट्री के बारे में पढ़ना पड़ता है फिर इन तीनों कंट्री की कंपैरिजन करनी पड़ती है मोटे मोटे तौर पर अगर आपका मोटिव इस वीडियो को देखकर चैप्टर रिवाइज करना है तो ये कॉन्सेप्ट मैपिंग है इसमें आप जान लो कि इस चैप्टर में आपको मोटे मोटे तौर पर चार चीजें पढ़नी है क्या पढ़ना है ये तो बीच में लिखा है चैप्टर का नाम नाम से कोई लेना देना नहीं है इंडियन इकोनॉमी की पूरी डेवलपमेंट पाथ पढ़ना है चाइना के बारे में पढ़ना है पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है इन तीनों कंट्री के बारे में पढ़ के फिर इन तीनों कंट्री के बारे में क्या क्या बातें कॉमन थी यह देखना है और दोस्तों फिर करनी है इन सबकी कंपेरिजन अलग अलग डिफरेंट इंडिकेटर पर ध्यान देना है कि जो ये पूरी किताब है ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इस पूरी बुक के अंदर इंडिया के बारे में पढ़ते आए हैं तो इंडिया के वही पुराने इवेंट्स इस चैप्टर में दोबारा बताए गए हैं फिर पाकिस्तान और चाइना यहां पर है। तो थोड़ा सा पाकिस्तान और के बता देता हूं। अगर हम बात करें, इंडियन इकॉनॉमी की यहां तो इंडियन इकॉनॉमी इकॉनॉमी ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा आप एक एक करके इवेंट को क्रैक करते जाएंगे सबसे पहले हमारे प्यारे देश भारत को 1947 में आजादी मिली थी आजादी मिलते ही हमारे देश ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम यूज किया था ध्यान रखना ये क्वेश्चन में आ जाएगा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम यूज किया मिक्स्ड मिक्स्ड इकोनॉमिक इकोनॉमिक सिस्टम सिस्टम ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहां पर गवर्नमेंट और मार्केट दोनों मिलकर इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं फिर दोस्तों हमारे देश के अंदर प्लानिंग कमीशन की शुरुआत हुई प्लानिंग कमीशन फाइव ईयर प्लान बनाती थी ये प्लानिंग कमीशन 1950 यानी 1950 में बनी थी लेकिन इसने इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली फाइव ईयर प्लान बनाने शुरू किए फर्स्ट अप्रैल 1951 तो आपको इस चैप्टर में 1951 का ईयर याद रखना है डेट याद रखनी जरूरी नहीं है इस चैप्टर के हिसाब से थर्ड नंबर पे हमारे देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम बोलते हैं आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन सबसे पहले आईपीआर 1948 में बनी थी उसके बाद जो आईपीआर यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बना वो नाइनटीन का बना यह इंपॉर्टेंट है इसके अंदर हमारे देश की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया था ए बी और सी ए कैटेगरी में सेवनटीन इंडस्ट्रीज थी वो एविएशन इंडस्ट्रीज हो गई चाहे केमिकल इंडस्ट्री हो गई रेलवे हो गया वाटर हो गया एटोमिक पावर हो गई डिफेंस वगैरह सब कुछ कैटेगरी बी के अंदर बड़े बड़े उद्योग थे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी जिससे पैसा कमाया जा सकता है मोटे लेवल पे जैसे कि स्टील का काम हो गया आयरन की इंडस्ट्री हो गई गैस और दूसरे टेक्सटाइल वगैरह की इंडस्ट्री हो गई मोटे मोटे उद्योग

इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म से इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब एलपीजी पॉलिसी हमारे प्यारे देश भारत के अंदर शुरुआत हुई उन्नीस में अब एक मेजर फैक्ट जान लो अब प्लानिंग कमीशन खत्म हो गई है इसकी जगह पर नीति आयोग आ गया है एनआईटीआई यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग 2017 में नीति आयोग ने पहला प्लान बनाया और वो 2032 तक चलेगा 2032 तक मतलब और अगर कोई आपसे पूछ ले कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी तो ये स्टैब्लिश हुआ था एक जनवरी दो हजार पंद्रह को लेकिन काम करना शुरू किया इसने दो हजार सत्रह से तो वाली बात नहीं है। मेजर, मेजर आपको फैक्ट बता दिए कि इंडिया की ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और भी बहुत सारे इवेंट्स हुए इंडिया के अंदर जो पुराने चैप्टर्स में पढ़े हैं लेकिन इस चैप्टर के लिए इतने काफी है अब आ जाओ पाकि चोरों पे पाकिस्तान वालों पे ठीक है पाकिस्तान का क्या पढ़ना है वैसे तो मन बता के खुश नहीं होता पाकिस्तान के बारे में क्या ही ये चोर है ठीक है लेकिन पढ़ना तो है ही पाकिस्तान को भी 1947 में आजादी मिली थी आजादी का ईयर याद रखना इज नॉट इंपॉर्टेंट ठीक है 15 अगस्त वगैरह कुछ भी याद रखना important नहीं है इस चैप्टर के हिसाब से इसने भी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम यूज किया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया की तरह फिर दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कोई डेट नहीं है नाइनटीन में और नाइनटीन में पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी यूज की इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी इंडिया ने भी यूज की थी ठीक है लेकिन पाकिस्तान ने पहले की इंपोर्ट सब्सटी का मतलब क्या होता है जो चीजें विदेशों से ये इंपोर्ट करा रहे थे ना उसके जैसी चीजों को कॉपी करके अपने देश में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया ठीक है इससे क्या होता है कि एक देश के डोमेस्टिक कंपनीज डोमेस्टिक फर्म यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बची रहती है फॉरन कॉम्पिटिशन से तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी फिर साथ साथ में इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन भी इन्हीं दिनों में शुरू कर दिया तो यार ये ग्रीन यारेवोल्यूशन इंडिया से पहले शुरू किया है पाकिस्तान पाकिस्तान ने ने इस बात को ध्यान रखना फिर आ जाओ थर्ड नंबर का इवेंट में इन पाकिस्तान वालों ने भी इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू की इंडिया की तरह इंडिया ने पहले शुरू की थी इन्होंने बाद में शुरू की इन्होंने भी फाइव ईयर प्लान शुरू किए पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्लानिंग को मिड टर्म प्लान्स भी बोलते हैं ये बहुत स्पेशल फैक्ट है ज्यादा बच्चों को नहीं पता होता इस बात को ध्यान रखना फिर बोलते हैं कि नाइनटीन में अर्ली नाइनटीन में पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर नेशनलाइजेशन करना शुरू कर दिया नेशनलाइजेशन का मतलब होता है हर चीज को सरकारी बनाना ठीक है जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनकी बात नहीं कर रहा सिर्फ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की तो नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इंडस्ट्री जल्दी ही इनको अकल आ गई कि किया बड़ा गलत स्टेप था तो लेट नाइनटीन या फिर अर्ली नाइनटीन एटीज बोल लो इन्होंने इनको वापस से प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया तो पांचवे नंबर का फैक्ट है अर्ली नाइनटीन एटीज या लेट नाइनटीन सेवेंटीज लो डेट तो फिर भी नहीं है यहां पर यहां पर इन्हीं इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया तो स्पेलिंग जरा ठीक कर लूंगा प्राइवेटाइजेशन इनका स्टार्ट कर दिया इनका ही ठीक है और फिर इन्होंने यहां से अमेरिका वगैरह कंट्री से लोन लेना स्टार्ट कर दिया तो ये डिपेंडेंसी हो गई फॉरेन डेट में फैसला शुरू हो गया और पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुई तो 1988 में पाकिस्तान ने भी अपने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट कर दिए यानी इंडिया से पहले किए हैं तो ये बात ध्यान रखना इंडिया से पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किया पाकिस्तान ने यह मेजर फैक्ट हो गए पाकिचोर हो गए अब आ जाओ चाइना चाइना को पढ़ना है भाई डिटेल में चाइना के बारे में चाइना इंडिया पाकिस्तान से लेट आजाद हुआ ठीक है तो यहां पर चाइना ने 1949 में आजादी मिली और इसने सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम यूज किया जिसको हम प्लान इकोनॉमी बोलते हैं सेंट्रली प्लान इकोनॉमी बोलते हैं कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं बहुत सारे नाम है इसके यहां पर मेजर मेजर बातें देखी जाए तो चाइना ने नाइनटीन में अपने देश के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट की यानी फाइव ईयर प्लानिंग वाला कॉन्सेप्ट जो था वो इसके अंदर आया अब यहां पर थोड़े से अलग फैक्ट्स हैं ठीक है अब इसका अगला इवेंट 1958 में है अगला इवेंट 10 साल का 1966 से लेकर 1976 में है अगला इवेंट 1978 में है और अगला इवेंट इसका 1979 में है इसके अंदर ये फैक्ट्स पढ़ने हैं आपको इवेंट देख लो क्या क्या है चाइना ने अपने देश में ग्रेट लीप फॉरवर्ड शुरू किया भाई शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये एक ऐसा प्लान था जिसके अंदर चाइनीज गवर्नमेंट कह रही थी हर एक चाइना वालों को कि अपने घर के पीछे आप इंडस्ट्रीज सेटअप कर दो बेसिकली स्टील की भट्टियां लगा दो कुछ ना कुछ वहां पर आ, स्टील का काम शुरू कर दो तो घर के पीछे की जगह को यहां बोला बैकयार्ड तो हर घर के पीछे बैकयार्ड में इंडस्ट्री सेटअप कराने का काम चाइना ने शुरू करा दिया यहां पर है ना 1958 में शुरू तो कराया था लेकिन ये फ्लॉप शो हो गया था यहां पर इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई हर एक बंदे को गवर्नमेंट ने बोल तो दिया करो 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 तो लोग एग्रीकल्चर से भी हटके स्टील इंडस्ट्री सेट करने में लग गए अपने घर के पीछे वो इस बढ़िया क्वालिटी का स्टील नहीं बना तो ये प्रोग्राम फ्लॉप हो गया लोगों ने खरीदा नहीं इनका स्टील इंटरनेशनल मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हुई ये बात लेकिन गलत बात क्या हुई लोग एग्रीकल्चर छोड़ छोड़कर इंडस्ट्री सेटअप करने में लगे थे और तभी आ गया चाइना के अंदर एक कैडे लेवल का क्लाइमेट चेंज ड्राउट आ गया सूखा पड़ गया एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बर्बाद हो गया यहां पर भूखमरी से लगभग तीस मिलियन लोग चाइना में मारे गए थे तीन करोड़ लोग चाइना की गवर्नमेंट ने बोला कि जो एग्रीकल्चर से हटकर लोग इंडस्ट्री में जा रहे हैं वो बात तो सही है लेकिन एग्रीकल्चर में कम बंदे हो जाएंगे इसलिए एग्रीकल्चर वाले तुम ग्रुप में फार्मिंग करनी शुरू कर दो तो एग्रीकल्चर वालों को जो अलग अलग बंदे थे उनसे बढ़िया ग्रुप में बंदे काम कर सकते हैं ना टीम में तो टीम वाली फार्मिंग को यहां पर कलेक्टिव फार्मिंग बोलते हैं कलेक्टिव फार्मिंग को यहां पर कम्यून सिस्टम बोला है तो कम्यून सिस्टम शुरुआत करा दी चाइना की और आपको जानना है कि लगभग छब्बीस हजार ग्रुप बनाए थे छब्बीस हजार कम्यून उस टाइम बने थे लेकिन कितने लोग मार चुक, मर चुके थे भुखमरी को बोलते हैं स्टारवेशन या फिर फेमाइन यहां पर वो, वो वर्ड यूज किया जाता है फिर नाइनटीन से लेके सेवेंटी तक दस साल तक चाइना के अंदर चलाया गया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन प्रोलेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन कल्चरल रेवोल्यूशन ये भी एक क्रांति थी चाइना के अंदर दस साल तक चली यहां पर इसको बोलते हैं प्रोलेटेरियन का मतलब होता है वर्कर्स चाइना में बोल दिया कि जितने भी स्टूडेंट है और जितने भी प्रोफेशनल है प्रोफेशनल मतलब जैसे सी ए सी एस डॉक्टर इंजीनियर ये सब ये सब लोग गांव जाएंगे गांव को बोला यहां पर कंट्री साइड गांव जाएंगे वहां पर काम करेंगे और सीखेंगे चाइना का कल्चर दस साल तक ऐसा होता रहा यह बड़ा भद्दा स्टेप था रशिया को अच्छा नहीं लगा रशिया ने बहुत सारे अपने प्रोफेशनल चाइना में भेजे हुए थे इस बात को सुनकर रशिया ने वो सारे प्रोफेशनल वापस रशिया बुला लिए ठीक है है इस फैक्ट को जानना फिर तो 1978 में चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म अभी बता दूंगा क्या थे ये आपको पढ़ने हैं डिटेल में और उसके बाद 1979 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी यूज की बोला कि चाइना के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत बढ़ रही है 1970s तक तो अब हर एक कपल सिर्फ एक बच्चा पैदा करेगा इसको वन चाइल्ड नॉर्म बोलते हैं और दोस्तों यह पॉलिसी अब हाल फिलहाल में खत्म कर दी गई है यह अब कर दी गई है इसको बंद कहते हैं तो 2016 के अंदर चाइना के अंदर यह पॉलिसी खत्म करके टू चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट कर दी है यह पढ़ना है ठीक है जी तीनों कंट्री की एक स्टोरी हो गई ग्रोथ पाथ हो गया इसको बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस तीनों कंट्री का अब तीनों कंट्री में कॉमन बात क्या थी कॉमन यह देख लो तीनों देशों के अंदर कॉमन कॉमन इंडिया में भी पाकिस्तान में भी और चाइना में भी कॉमन था उस पहले नंबर पे चाहे चाइना ने कमांड इकोनॉमी यूज की हो इंडिया और पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमी यूज की हो लेकिन तीनों देश के अंदर जो देश की तरक्की का मेन रोल था ना वो गवर्नमेंट ने निभाया था तो यहां पर गवर्नमेंट का मेन रोल था तो इसको बोलते हैं मेन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ ऑल थ्री कंट्रीज दूसरे नंबर पे तीनों देशों ने इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट की इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट की है तीनों देशों ने इंडिया ने 51 में चाइना ने 53 में पाकिस्तान ने 56 में थर्ड नंबर का जो कॉमन बात है कि तीनों कंट्री ने इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए यह भी कॉमन है चाइना ने सेवेंटी एट में पाकिस्तान ने एट्टी एट में और सबसे लेट इंडिया ने नाइनटी वन में तीन कॉमन बातें हो गई चौथा ठीक है तीनों कंट्री की ग्रोथ रेट भी जीडीपी ग्रोथ रेट होती है ना ग्रोथ रेट वोस वोस सिमिलर, सेम सेम थी लगभग टिल 1980 तक 1980 के दशक तक इन तीनों की ग्रोथ रेट सेम थी ये चार इनके कॉमन पॉइंट है लेकिन आपको एक मुद्दे की बात बताऊं कि 1980 के बाद 1980s में चाइना की ग्रोथ रेट 10 परसेंट से ज्यादा थी टू डिजिट में थी पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 6.3 थी मोर देन 6 इंडिया की ग्रोथ फाइव पॉइंट परसेंट थी यानी इंडिया सबसे नीचे ग्रो कर रहा था अब देख लो 2015 से 17 का डेटा आपकी बुक में है इंडिया की ग्रोथ रेट पाकिस्तान और चाइना की ग्रोथ रेट से ज्यादा है इंडिया की लगभग सात के आसपास है चाइना की छह के आसपास है पाकिस्तान की ये पांच के आसपास हो गई है तो इंडिया इनसे ज्यादा ग्रो कर रहा है यह चीज तो वही कंपैरिजन वाली ऐसी है ना इस डेटा की तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में टेबल आती है और बोलता है कंपेयर एंड एनालाइज तो कंपेयर बता देना कि तब तो इंडिया ग्रो नहीं कर रहा था अब इंडिया इन दोनों कंट्री से फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है लेकिन सच बताऊं फास्ट स्पीड से ग्रो तो कर रहा है लेकिन चाइना तो बहुत आगे है अभी इंडिया का जीडीपी लगभग बताऊं आपको थ्री ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और अभी का बता रहा हूं ये आपकी बुक मैंने लिखा लेकिन चाइना का ये मोर देन थर्टीन ट्रिलियन डॉलर है तो चाइना को सरपास करने में बहुत टाइम लगेगा बहुत साल मतलब इंडिया भी ग्रो कर रहा है चाइना भी तो ग्रो कर ही रहा है तो इस बात को थोड़ा समझना होगा ये कॉमन स्ट्रेटेजी थी तीनों कंट्री की बेसिकली तो इसको मैं कॉमन स्ट्रैटेजी लिख देता हूं ठीक है जी अब आपको इन तीनों कंट्री की कंपैरिजन करनी है कंपैरिजन का डेटा किस बेसिस पे करना है पहला आपको इन तीनों कंट्री के हेल्थ इंडिकेटर में कंपेयर करना है हेल्थ इंडिकेटर हेल्थ इंडिकेटर में कैसे कंपेयर करते हैं भाई सबसे पहले ध्यान रखना है तीनों देशों के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितनी है चाइना के अंदर सेवेंटी है इंडिया के अंदर सिक्सटी पाकिस्तान में सिक्सटी एट पॉइंट पॉइंट का ध्यान नहीं रखना उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मतलब एक बंदा एवरेज बेसिस पर कितने साल तक जिंदा रहने की उम्मीद कर सकता है इन तीनों देशों में दूसरे नंबर पे एजुकेशन इंडिकेटर एजुकेशन इंडिकेटर में आपको लिटरेसी रेट और एवरेज इयर्स ऑफ स्कूलिंग मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग बोलते हैं कितने साल तक ये बच्चा स्कूल जाना है एजुकेशन इंडिकेटर और थर्ड नंबर पे आपको करने इन तीनों देशों के जीडीपी इंडिकेटर इन तीनों का ये आपको करना ही करना है ठीक है मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करने नहीं बैठा क्योंकि रिवीजन क्लास है इसके अंदर बता रहा हूं कि आपने करना क्या है अभी तक मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई उससे बहुत कुछ आपको क्लियर हो गया ठीक है और दोस्तों इन तीनों को हेल्थ एजुकेशन और जीडीपी इन तीनों को मिलाकर एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसमें इन तीनों देशों की रैंक कहां पर है ठीक है मतलब इसमें चाइना ही बेस्ट है दूसरे पे इंडिया है तीसरे पे पाकिस्तान है है इसका स्कोर होता कम कम से कम जीरो, जादा से ज्यादा ज्यादा एक, एक तो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का नहीं है हाँ इंडिया का अगर स्कोर देखोगे पाकिस्तान का देखोगे और चाइना का देखोगे तो इंडिया का स्कोर आपको जीरो के आसपास मिलेगा पाकिस्तान का जीरो और चाइना का जीरो के आसपास मिलेगा जिस भी कंट्री का स्कोर 0.5 से लेकर 0.8 तक होता है वो सारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री होती है तो चाइना भी इंडिया भी पाकिस्तान भी तीनों के तीनों यहां पर डेवलपिंग कंट्री है इतना मान के चलना भाई ये कंपैरिजन करने के बाद लास्ट में आपको लिबर्टी इंडिकेटर पढ़ना है लिबर्टी इंडिकेटर कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा क्योंकि पेपर में यह आ गया न, फिर ना फिर नाश हो जाएगा कि पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया था यह छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था कि तीनों देशों में आजादी कहां है

डेमोग्राफिक इंडिकेटर ठीक है डेमोग्राफिक इंडिकेटर के बेसिस पे अगर आप कुछ पढ़ना चाहो तो यहां पर इन तीनों देशों के अंदर आप हेल्थ हेल्थ फैसिलिटी कह रहा हूं यहां पर देखेंगे आप डेथ रेट बर्थ रेट और मेन पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टडी को डेमोग्राफिक इंडिकेटर बोलते हैं तो डेथ रेट बर्थ रेट याद करना जरूरी नहीं है आपको देखना है पॉपुलेशन डेंसिटी अर्बनाइजेशन ठीक है पॉइंट लिख देता हूं यहां पर इन तीनों देशों के अंदर अर्बनाइजेशन पहले पे चाइना दूसरे पे पाकिस्तान फिर इंडिया है यहां पर अर्बनाइजेशन में इंडिया पीछे है सबसे ठीक है फिर अर्बनाइजेशन के बाद मैंने बताया आपको पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब भीड़ किस कंट्री में ज्यादा है ठीक है पॉपुलेशन डेंसिटी और फिर कर लेना एक फर्टिलिटी रेट फर्टिलिटी रेट मतलब एक कपल कितने बच्चे पैदा कर रहा है इन देशों के अंदर फर्टिलिटी रेट ठीक है इन तीनों के बेसिस पर और अगर कंपेरिजन का सीधा क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों तो आपसे बोलेगा एक्सप्लेन एनी टू डेमोग्राफिक इंडिकेटर ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान एक्सप्लेन एनी टू हेल्थ इंडिकेटर ऑफ इंडिया चाइना पाकिस्तान ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा टू या थ्री थ्री से ज्यादा नहीं पूछेगा कुछ भी ठीक है और जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो पेपर में टेबल बनी बनाई मिलेगी आपको कंपेयर करना है और हाँ अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊं कि टेबल आती है तो उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं डायग्राम आता है तो उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं एक बार कॉमेंट सेक्शन में बता दो कि सर मुझे यह जरूरत है मुझे आपकी डिमांड का पता लगेगा ना तो मैं उन क्वेश्चन के लिए बहुत स्पेशल क्लास लूंगा ध्यान रखना जैसे जैसे आप बोलोगे जो जो टॉपिक आप बोलोगे अभी आप मुझे बताओ कि सबसे मुश्किल टॉपिक आपको कौन सा लगता है एक क्वेश्चन कमेंट में बताओगे आप दूसरे बताओगे कि टेबल और डायग्राम वाले क्वेश्चन कराने की मुझे जरूरत है या नहीं है बस वो बता दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा और मैंने बता दिया आपको चैप्टर पूरी डिटेल में आपको पढ़ना है तो प्ले के अंदर आपको इस चैप्टर की पूरी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी वहां पर एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है तो दोस्तों तो आज की क्लास में इतना ही जय हिंद जय भारत नमस्कार धन्यवाद